जो मोदी है कोई मिनिस्टर है कोई भी ला ले सीएम होया दिल्ली से जाना तो उसने हरियाणा में को है चंडीगढ़ जो चलेगा तो हमारे माना दूध नहीं पियाया मरना मंजूर है पब्लिक ने किसान नहीं उल्टा हटता बिल्कुल भी नहीं सरकार ना मानेगी तो उनकी अपनी इच्छा है किसान लोग भी नहीं मानेंगे जब तक सरकार वापस नहीं कर देगी चाहे वो 6 महीने लगा दे 5 महीने लगा दे ये उनकी मर्जी की बात है। मान्या तो सरेगा मोदी जी ने और मान जाएगा तो इसका फायदा है और नहीं तो सब जाएगा ये सब बेटा के सिंह जागरा ममता की डाल बस दमा उछल देंगे इसे ना हाल बढ़िया रहोगा हमारा हम घेर के छोड़ देंगे इसने यूपी में भी हरियाणा में भी पंजाब में भी राजस्थान में भी कहीं तक नहीं बढ़ने देंगे इसने किसान ही यहाँ पर थोड़े हैं अले इनका गंडे का काम रह रहा यूपी का और सिंह बॉर्डर होया टिकरी बॉर्डर होया वहाँ जाके देखो अरे वहाँ तो हमारे भी यहाँ पर भी हमारे हम सारे यूपी में को घूम का है पब्लिक आन लाग रही मारा तो बीमारी है नहीं परमात्मा यू ऊपरला हमारा तो ना कोई नहीं कुछ नहीं मानता ना गांव में मान रहे हम किस तरह से आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं किस तरह से आप बात मनवाएंगे मारा तो ये कानून रद्द कर दो और अपना हम नगर भेज दो हम फिर भी इसका धन्यवाद करेंगे और नहीं देगा तो और नहीं संघर्ष करेंगे पूरा डट के कुर्बानी भी देंगे लेंगे भी वो जो कोई भी चीज हो संघर्ष तो होगा कितना लंबा संघर्ष चलो नहीं है 1919 में जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी 4 दिन के बाद फिर बम गिरे 25 जी मरे 450 जी मर गए थे संघर्ष चल गया वहाँ अपने आप चल गया ही अड़ता इस यो काम ही बनेगा इसकी गली मोदी गली राजे खुशी मानने का नहीं नडा देंगे सर उन्होंने बम गली मारा 500 मर जाएंगे 1000 मर जाएंगे कितने किसान कितने कितने का ना मारेगा यू मरण पर तैयार है किसान तो कति मरण पर तैयार हैं बिल्कुल और ना उल्टा हट दे कति भी और अपना अख तो लेकर रहे रहेंगे ऐसे तरह यूपी में होगा हरियाणा में भी होगा राजस्थान में भी होगा पंजाब में भी होगा बिल्कुल सब कोठिया अलग फूक देंगे देखता था ये तो 6 महीने कर रहे इलेक्शन के यार यूपी में दोस्त बदली आई गांव में नहीं पढ़ने देंगे ना जागा कर मोदी बंगाल में तो इतनी रैली इसने कर ली हम अपने इलाके में इतनी रैली नहीं करने देंगे इसने पहले खो देंगे रैली नहीं होने देंगे इसकी हाँ नहीं वोट मिलने देंगे ना रैली होने देंगे किस तरह से हम अपने आदमियों ने रोकेंगे इसकी रैली में नहीं जान देंगे ना ही नान देंगे जब तक इन्हें बढ़ नहीं देंगे हम अपने एरिया में किस तरह से किस तरह के लड़ेंगे और पिटेंगे पिटे होंगे बढ़ने नहीं देंगे जब इसने यू क्या कर देगा हमारा हाँ यूँ बढ़ने नहीं देंगे इसने जो कर यू की लगा रहा हमारे राह रोक रहे नहीं हम भी रोक देंगे जिस तरह इन्हें रोक दिया हम भी रोक देंगे 100-150 के तादगा ने बेरा ई हमना हमने एक गांव मत है 700-800 मन तो नाज भेज दिया तूड़ा भेज दिया लकड़ भेज दिया जी बेह के गांव इतनी मदद करेगा गांव कितने हैं ये जिनसे काले कानून है जो जो मोदी है कोई मिनिस्टर है कोई भी ला ले सीएम होया दिल्ली से जाना तो उसने हरियाणा में को है चंडीगढ़ जो चलेगा तो हमारे माना दूध नहीं पियाया उसको जान नहीं देंगे देश जावा जय जवान जय किसान हम सभी भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी जहाँ भी धरने में बैठे हैं अपना अपना धरना मजबूत करो और जब तक अक्सर मोदी नहीं मानता तब तक अपने धरने को मजबूत रखो और तब तक हम घर नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे चाहे हमको 5 साल लग जाए हमारा तो धरना कायम मेरा होगा इतना मोदी नहीं मानता चाहे 50 लाख साल तो ना हम इस तक घबरा दे युद्ध करने तैयार है तुम्हारे जाकत फौज में मारे पुलिस में हमने कोई परवाह नहीं था बाबा आदमी है ना लैद का बेरा इसने ना ब्याह सगाएगा ना बालका की सोच फकीर बैठा दिए हैं हमने राष्ट्रपति बना दिए संसद में बैठा दिए हैं योगी बाबा बैठ गया क्यों बैठ गया खट्टर बैठ गया हरियाणा में इतनी जनता मर रही है हॉस्पिटल में इतनी जनता कोई नहीं मर रही है इनके आदमी इनके आदमी गुर्दे काट दें बेच दें किडनी काट लें और उन्हें जिंदे ने मार दें
जिंदना जिंदना कोरोना किसका है? हम बने मास फिर लाग रहे 25 दिन हो लिया हमने धरने बैठे टिकरी वार्ड में 25 दिन हो गया हम नगर तान है मारा किंगा गया कोरोना ताप बिन चढ़ा परमात्मा ने गर्मी हुई थी राम बरस गया कई दिन हुए थे फिर परमात्मा राजी हो गया हमारा कान ठंड खतर मोदी ने तो टर्निमेट कर देंगे बस इलेक्शन आने दे तू इलेक्शन में करेंगे उसका हाँ इलेक्शन में भाजपा करना सफा करेंगे साफ कर देंगे ने बिल्कुल मानने का जो राजित मानने का राजित नहीं तो अपने इलेक्शन में तो गेड़ा देंगे वोट तो पब्लिक के हाथ में है पब्लिक ने गेड़ा देना देना पड़ेगा इसको पब्लिक तो बहुत दुखी हो गया देश तो इन्हें इतना बकाए दिया कभी ताड़ी पटवा कभी दीवे लुवा दिए इन्हें तो इतना पब्लिक इतनी बकाया बकाया गया कभी 15 लाख खाते में देंगे इस करके सरकार है कि दिया के सरकार नहीं आने देंगे इसकी बिल्कुल भी जुमलेबाजी के तो बहुत खतरनाक आदमी है इसने क्या पता करे इसके बारे में कैसे कैसे बसना कसना है कुछ नहीं दिया इन्हें तो सित्ता नाश कर दिया कोई भर्ती नहीं है बच्चे के कोई रोजगार नहीं जो सारे बेच के खा के देश को बेच दिए ने देश को बेच दिया रेलवे बेच दी पोर्ट ने बेच दिए मजदूर फिर दुखी होंगे मजदूर इतने दुखी हो रहे कुछ भी याद नहीं आए सब पब्लिक इस तरफ खिलाफ बोली और इसने तो इसकी सरकार में कोई खुश नहीं है यूपी सरकार तो गेड़ा आओगे ने तो इन्हें न्याण देंगे यूपी यूपी में है हाँ बाबे की सरकार ने तो एक रिश्ती सब दुखी कर दिए ना ना नहीं सब अफवाह ये सब झूठ बोल रहे हैं तो बोले उस पर बाडरा बने कितनी पब्लिक पड़ी है बाडरा पे भी पड़े हैं और इन पर टूल टैक्स पे पड़े सारों को फ्री करवा रखे सारों को पब्लिक अड़ी खड़ी है बिल्कुल नहीं हालते मरना मंजूर है पब्लिक ने किसान नहीं उल्टा हटता बिल्कुल भी भैया ये कहना था वहाँ मोदी मान जा नहीं मानेगा तो फिर यह पब्लिक इसी भी है अगर धक्के तो भी कुर्सी खोस लेगी बिना इलेक्शन भी खोस लेगी जब अपने मुंह डुमा जाएगी नहीं सीधे अड़ा देकर पड़ जाएगी कुर्सी पर किसान यहाँ पर नजर तो नहीं आ रहा है नजर बहुत आ बहुत आ जाएंगे हजारों की तादाद में यहाँ पर जनता नजर करोड़ों की सोचिए करोड़ों की तादाद है पहले थे अब तो अब बदेंगे अब बदेंगे जोश आ गया पब्लिक में पब्लिक में जोश आ गया इब हम बहुत यूपी में को घूम का है और बोले आए गए बस आए गए बस दो दिन का गंदा रह गया चार दिन का रह गया उसके बाद यहाँ पे पब्लिक नजर पब्लिक फुल काम भी करना पब्लिक किस तरह से सरकार से अपनी बात रखेंगे किस तरह से अपनी बात को मनवाना हम तो जाता हूँ भाई राजी खुशी कुर्सी ने छोड़ दे नहीं ईब छोड़ दे बाकी मत ही फायदा है इसने और आगे इलेक्शन भी लड़ लियो जो इसने बना भी देंगे जेब छोड़ देती हूँ राजी खुशी भाई मेरे पर गलती होगी मैं थारी मांग देगी और कुर्सी भी छोड़ मोदी कर रहा था ना से हिटलर की डाल जी भी हिटलर के पाछे लोग लग गए थे 9 महीने में राज छोड़ गया था यू 11-12 ले लेगा बस और इस तक इसकी कोई ताकत नहीं है राज छटवाएंगे और अपनी मांग लेंगे जय जवान जय किसान हम करनाल डिस्ट्रिक्ट से और गांव गक्षिणा से आए हुए हैं हम पहले सिंघू बॉर्डर आए थे अब गाजीपुर बॉर्डर और इसके बाद टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे हम हर जगह जाएंगे और हम मोदी सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जो इसने हमारे ऊपर काले कानून लगाए हैं उनको वापस करें और हमारी MSP को लागू करें और हम हमारा गांव इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर पूरा भाग ले रहा है और पूरे देश से भर के किसानों की ट्रालियां आ रही हैं और कल भी जीटी रोड से हमने देखा है बहुत सी ट्रालियां आ रही थी हम भी इसका धन्यवाद करें मोदी जी का जे अपना कानून वापस ले लो और जो ये पब्लिक किसान या मजदूर बहुत तंग हो रहा है तंग होया आदमी या तो हत्या करेगा या अगले को मारेगा दो ही काम होंगे पब्लिक तंग हो रही किसान और मजदूर हम कहते हैं दोबारा फिर बना देंगे पीछे कहा था अगे एक मौका और दो और मौका मिल जाएगा ये कानून वापस ले लो जनता को अपना घर जाने दो इनको परेशान ना करें और जो विधवा बांझ लगाई उन्हें दर्द का नहीं बेरा हुंदा जो बच्चा हुआ दर्द कितने हुए ये एक किस्म का ही नया बांझ है इनको पता नहीं है बच्चे कैसे पढ़ते हैं कैसे बच्चे होते हैं कैसे क्या उसको खाना खिलाएगा कैसे उनकी फीस पढ़ाई देनी है वो इनको पता नहीं है अरे ऐसे काम नहीं चलेगा और जनता तो जिबे झुकेगी
जे भी ये अपना कानून वापस ले लेगा, मान जाएगा जनता की बात करो जनता के साथ। हाँ बिल्कुल नहीं हटने वाला है, चाहे इतने 20 साल लगो अपना खाना खा रहे, खड़ा रहे गरीबों से और अमीरों से, गरीब और मजदूर सब मिलकर है, दान भी दे रहे हैं और अपना खा रहे बैठे हैं। किसान लोग जो जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये समझ लो एक भगवान के रूप से बैठे हुए हैं, और जहाँ कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कोई रहने की कमी नहीं है, और इससे सरकार को ये चाहिए कि इसको जो काले कानून बनाए उसको बदली वापस ले लिया जाए, और ये किसान लोग अपने खुशी खुशी अपने परिवार में और अपने घरों में चले जाएं। सरकार तो अभी नहीं मान नहीं सरकार ना मानेगी तो उनकी अपनी इच्छा है, किसान लोग भी नहीं मानेंगे जब तक सरकार वापस नहीं कर दी, चाहे वो 6 महीने लगा दें 5 महीने लगा दें, ये उनकी मर्जी की बात है, और आखिरी उनको इस बात पर मनना पैना, चाहे आज मने चाहे 6 महीने में मने, और किसान लोगों ने भी कसम खा रखी है कि असी इतना ही मरना। इतनी वार्ता होने के बाद जब हल नहीं निकला तो अभी देखो तो मेरी उसके बाद देखो 10-11 वार्ता होने के बाद में कोई हल नहीं निकला, तो अब उसके बाद में 3-4 महीने फिर भी हो गए जो कोई बात नहीं हुई, और कलकत्ता में इन्होंने खूब जोर लगाया कि जीतने के लिए उस औरत को भी इन्होंने बहुत परेशान करा, जबकि ऐसा एक प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को किसी दिन रैलियों में नहीं जाना चाहिए, उसका वो तो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, उसको किसी जातिवाद का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए, जबकि उसने जाके उसे खूब जाके उसकी बेइज्जती भी की और उसको मारने की भी इन्होंने योजना बनाई, जबकि उसका पैर तोड़ दिया। नहीं बात रखना ये चाहते हैं कि ये किसान लोग जो बैठे हुए हैं इनका जो हक है वो दे दें सरकार वापस, ये अपने घर को वापस चले जाए, नहीं तो इन्होंने तो कसम खा रखी जब तक ये वापस नहीं होता असी तो नहीं जाना, जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर की वापसी नहीं है, चाहे 6 महीने लग जाए 2 साल लग जाए, खाली जहाँ के लिए नहीं है, आप सिद्धू बॉर्डर पर देखिए, टीकरी बॉर्डर पर देखिए, जहाँ में भी ये हो रहा है किसानों ने, ये जहाँ 80-90 साल के तहु बुजुर्ग मिलेंगे किसान लोग, वो कह रहे थे घर जाके की करना है, इतने साढ़े बात है इतने मरना मंजूर है सानू, तो जे गौरमेंट जो इनू कोई समझाने वाला नहीं है बंदा कि भाई तू गलत काम कर रहा है तो इसको छोड़ दे, ये मजबूरी में फंसा हुआ है, भारत के अंदर कुछ नहीं बचा, सारा भारत बिक चुका है, खाली नाम ही नाम है, वो भी किसी दिन भारत का नाम भी खत्म हो जाएगा, वो उन्हीं के नाम से भारत में बुलाया जाएगा, वानी अडानी जो है उसके जो कर्जे में है मोदी, तो इसका हल तो महाराज आप लोगों ने कोई ना कोई निकलना है, क्यों इन्हें लोगों ने तो सब ने कसमां खाधी कि असी नहीं जाना जो भी मर्जी हो जाए, हुण जिहड़े इत्थे बैठे उन्होंने कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं बैठन दी, खाना पीना सब साध संगत का बना रहे हैं, देखो इतने बड़े बड़े पंडालों वाले बैठे हैं वो बना रहे हैं खा रहे हैं लोग बाग अपना मौजी मार, देखो सबसे बड़ी चीज़ होंगी खाना मिले तो और आदमी को कोई कमी नहीं होंगी, और खेती का काम अपना गेहूँ की खेती संभाल के आ गया, हुण चावल की खेती लगाएंगे कुछ दिन के बाद, फिर उसके बाद फेबरी हो जाएंगे, जिमीदार का अपना भी काम चलता रहेगा और जहाँ का भी माहौल पूरा चलता रहेगा, तो असं तो यही चाहते हैं कि किसानों का फैसला जितनी भी जल्दी हो सके होना चाहिए, है बहुत समय हो गया, ये 6वां महीना चल गया, आप लगाओ 6-5 महीने का टाइम हो गया, और ये इतना अच्छा नहीं है किसी को दुखी करना, ये तो अंत आता है, ये एक कोई फसल ही ना बीजेंगे तो आप तुसी लोग असी कितों खाएंगे, ठीक है ना, तो इसका कोई आपस में बैठ बैठा के उनको समझाने की कोशिश करो कि भाई तुसी जो जहाँ तुम्हारी गलती है उसको मान जाओ, मानने के बगैर सारे हल हो जाते, बंदा अपनी गलती मान के मान जाता तो उन्हें कोई दोषी नहीं माना जाता।